हेलो स्टूडेंट्स दधीचि ट्यूटोरियल्स को आपण मानको स्वागत। तो पिला माने आज आम पढ़ा पंचम श्रेणी परिवेश विज्ञान अष्टम अध्याय जार नाम आम देशर विभिन्न अंचल अधिवासी जीवनधारा विषय अभ्यास कार्यटी को आज आम डिस्कसन करवा। तो पाने या पूर्व आम कौन पढ़ी ना सप्तम अध्याय किसी प्रश्न उत्तर डिस्कसन करते जार नाम कौन थी ना भारत उल्लेखनीय दर्शनीय स्थान तार प्रश्न उत्तर डिस्कसन करने सहित किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करते। तो पिलामाने जो माने भी पूर्व क्लास गुड़ी को अटेंड करन से आम चैनल प्लेलिस्ट को जाकि समस्त क्लास गुड़ी को अटेंड कर जहाँफल तुम मानक जिते सब क्वेश्चन आंसर वीडियो दरकार मैथ साइंस आउ इंग्लिश रो तुम पाखे आगे जा पहुँची। तो पिलामाने डेरी न करी समस्ते चैनल को सब्सक्राइब करनियो एवं पाखे थिबा बेल आइकन को प्रेस करी ऑन नोटिफिकेशन ऑन कर दियो। तो पिलामाने डेरी न करी स्टार्ट करिबा अभ्यास कार्य कहार ना अष्टम अध्याय। तो देख एक नंबर कौन दे शून्य स्थान पूरण कर। तो एक नंबर कौन पचार एक नंबर करे काश्मीर पुरुष मैंने ड्रेस पोशाक पिंधती। तो पाने को पोशाक पिंधती ना पशम पोशाक। तो ये लिखिदेव तुम मैंने पशम पोशाक है। तो ये या भितर लिखिदेव पशम पोशाक से भाई भाव में जी आम ख नंबर को देख काश्मीर लोक मैंने ड्रेस पालन कर जीविका निर्वाह करती। तो पाने एनसर कौन हम ना मेढा है। तो ये लिखिदेव मेढा। तो ये भाव में आम खरे आंसर मैं जाणीगले जाए गो को गोरे कौन दे पे देख ना आसाम लोके डेस पर्व पालन करती। तो पाने आसाम कौ पर्व पालन हुए अधिक ना बिहू पर्व पालन हुए। तो ये लिखिदेव बिहू है। तो ये गोरे आंसर आम जानने बिहू पर्व अधिक मात्रा आसाम पालन हुए। तापर देख घ घरे कौन दे ना बाउंश व बेतरु विभिन्न जिनस ड्रेस मान करती। तो पाने को मैंने करती ना नागा मान। तो ये लिखिदेव नागा। तो घर आंसर है नागा। तापर देख मुँह जीवा ओटमांस दुग्ध ड्रेस अंचल केतक लोक खाती। तो कौ अंचल पाने ना राजस्थान अधिक मात्रा ओट मिलती। तो कौ अंचल होते ना राजस्थान मरु अंचल। तो ये लिखिदेव कौन ना राजस्थान कौटी ना मरु अंचल है मरु अंचल। तो मरु अंचल लोक मैंने कौन करती राजस्थान ओटमांस व दुग्ध कौन बा दुग्ध कौ अंचल ना यही अंचल राजस्थान मरु अंचल लोक मैंने खाई था। तो एक नंबर आंसर आम सब जाणीगले एवं जावा कौटी की ना दुई नंबर दुई नंबर किसी उत्तर देवाई। तो करे देख कौन दे मरुभूमि अंचल केतेक लोक जाजावर जीवन जापन कहीं करती। तो पाने मरुभूमि अंचल कहीं लोक मैंने जाजावर जीवन जापन करती ना कारण सेठे चारण भूमि बा चाष उपयोगी कौन जमी बहुत कम मात्रा थाए चारण भूमि अभाव देखा जाए तेणु से मैंने छेली और मेढा पालन कर निजर जीविका निर्वाह करती। तो ये जितेबाला छेली और मेढा पालन करती से कौन ना चारण भूमि अधिक मात्रा दरकार हुए। तो गोटे जगार जो चारण भूमि सरी जाए से कौन करती ना आउ गोटे जगह को पलि जाती जो चारण भूमि सरी जाए से आउ गोटे जगह को पलि जाती। तो ये से कौन करती ना जाजावर जीवन जापन करती गोटे स्थान रू अन्य स्थान को सबुबले जाए। तो ये भाव में तुमने कर आंसर लिखिदेव जहाँ जहाँ कौच नोट करी लिखिनि और जहाँ जहाँ जमी बुझौती भल से बुझी जहाँफल तुमने जिते बी एक्जाम ये क्वेश्चन आसो आराम से मन देकर जदि तुम मैंने खाली आंसर लिखि नब किसी फायदा हेनी तुमने बुझे आराम से कौन कर ना प्रश्न उत्तर गुड़ी को भल भाव लिखिपार। तापर देख ख को जीवा एवं खरे कौन दे मरुभूमि अंचल लोके कहीं ढिला पोशाक पिंधती। तो पाने यार आंसर कौन हम ना मरुभूमि अंचल दिन बेले प्रबल गरम हुए और राति खूब थंडा पड़े एवं बालीझड़ हुए यही सबुरु रक्षा पाइबापी से कौन करती ना ढिला पोशाक पिंधि था। जिते बड़े दिन में कौन हुए ना धूलीझड़ हुए एवं बहुत गरम हुए तो से कौन करती ना ढिला ढिला पोशाक सब पिंधि था। तो ये भाव में आम खर आंसर लिखी ना। तापर देख गो को जीवा गरे कौन दे पार्वती अंचल लोक मैंने गड़ाणिया छात घर तैयारी करती कहीं पार्वती अंचल मान पहाड़ अंचल लोक मैंने कौनपाई गड़ाणिया छात घर सब तैयारी करती। तो पाने यार आंसर कौन हम मन दे शुण जहाँ कौच पार्वती अंचल भूमि बहुत उच्च होता है अंचल वर्ष जाक वर्षा और हिमपात बरफ पड़े तेणु सेठाकर लोक मैंने छात को गड़ाणिया करते कहीं जिते बड़े बरफ किंवा पानी वर्षा पा ताऊपर पड़ो से पागुड़ी को शीघ्र तल को गड़ी आसो से कौन ना छात घर गुड़ी को गड़ाणिया
କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଗର ଆନ୍ସର ମଧ୍ୟ ଜାଣିଗଲେ। ତୁମମାନେ ଭଲସେ ବୁଝେଇକିନା ଏଠି ଲେଖି ନେବ ଯେମିତି ମୁଁ ବୁଝେଇଦେଲି। ତାପରେ ଦେଖ ଘକୁ ଯିବା, କ'ଣ ଦେଇଛି ଘରେ, ନା କାଶ୍ମୀରକୁ କାହିଁକି ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସନ୍ତି। ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ, ନା କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। କାହିଁକି ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ, ନା ଏହି ରାଜ୍ୟଟି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଠାରେ ଅନେକ ଫୁଲ ବଗିଚା ଅଛି, ଅନେକ କ'ଣ ନା ଭଲ ଭଲ ଫୁଲ ସେଠାରେ ମିଳେ ଏବଂ ଫଳ ମଧ୍ୟ ସେଠାରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ମିଳେ ଏବଂ ସେଠାରେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଥଣ୍ଡା ରହିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ ନା ଏଇଟା ଭାରତର ଭୂସ୍ୱର୍ଗ କୁହାଯାଏ। ସେଥିପାଇଁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଘର ଆନ୍ସର ଲେଖି ନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଯିବା ଆମେ ତିନି ନମ୍ବରକୁ। ତିନି ନମ୍ବର କ'ଣ ପଚାରିଛି, ନା କ ସ୍ତମ୍ଭର ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କୁ ଖ ସ୍ତମ୍ଭର ଭାଷା ସହ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଆମକୁ କହିଛି। ତ କେଉଁ ଅଧିବାସୀ ଲୋକ କେଉଁ ଭାଷା କୁହନ୍ତି ଆମେ ଏଠି ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମେ କେଉଁ ଅଧିବାସୀ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନା ତ୍ରିପୁରା। ତ୍ରିପୁରାରେ ଲୋକ କେଉଁ ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ନା ବଙ୍ଗଳା ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ତ ତ୍ରିପୁରା ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ବଙ୍ଗଳାକୁ ଯୋଡ଼ିଦେବା। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ତ୍ରିପୁରାକୁ ବଙ୍ଗଳା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ହିମାଚଳ, ହିମାଚଳର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷା କୁହନ୍ତି, ନା ହିନ୍ଦୀ ଭାଷା କୁହନ୍ତି। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ହିନ୍ଦୀ ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ମଣିପୁରର ଲୋକମାନେ, ତ ମଣିପୁରର ଲୋକମାନେ କେଉଁ ଭାଷା କୁହନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ନା ମଣିପୁରୀ ଭାଷା। ତ ଆମେ ମଣିପୁରକୁ ମଣିପୁରୀ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ମେଘାଳୟକୁ ଯିବା ଏବେ। ମେଘାଳୟର ଭାଷା କ'ଣ ଥାଏ ପିଲାମାନେ, ନା ଗାର ଭାଷା। ତ ସେଭଳି ଭାବରେ ମେଘାଳୟକୁ ଗାର ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେଲେ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଶେଷରେ କିଏ ରହିଲା, ନା ମିଜୋରାମ। ମିଜୋରାମ କେଉଁ ଭାଷା ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତି, ନା ମିଜୋ ଭାଷା। ସେଭଳି ଭାବରେ ତୁମମାନେ କ'ଣ କରିବା, ନା ମିଜୋରାମକୁ ମିଜୋ ଭାଷା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନେ ଏହିପରି ଭାବରେ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ କହିଥାନ୍ତି। ସେହିଭଳି ଭାବରେ ତୁମେମାନେ ଏହିସବୁ ଭାଷା ଗୁଡ଼ିକୁ ୟା ସାଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ିଦେବ। ଆଉ ଆସାମୀୟ, ଆସାମର ଲୋକମାନେ କହୁଥିବେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ତୁମେ ତିନି ନମ୍ବରଟିକୁ କରିନେବ। ତାପରେ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ଦେଇଛି, ଏହି ଅଧ୍ୟାୟଟି ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା, ନା ନବମ ଅଧ୍ୟାୟ, ଯାହାର ନାମ କ'ଣ, ନା ଆମ ଦେଶର ଆମଦାନୀ ଓ ରପ୍ତାନିର କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚେନ୍ ଆନ୍ସର ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଏବଂ ତା ସହିତ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାଇବ ଏବଂ ଯାହାର ଯେଉଁଠି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ପଚାରିପାରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବ। ରହିଲି, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।